अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीइंग पाकिस्तानी चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है एक हेल्थ टिप के ऊपर मबनी है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता था, एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ, कि एंटीबायोटिक जो है वो आजकल हम लोग ऐसे खा रहे हैं, ऐसे जाके मांगते हैं मेडिकल स्टोर से जैसे कि भुने हुए चने किसी रेडी से लेके मांगते हैं बंदा। अब कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में जब एंटर होती है ना, वो अटैक करती है वाइट ब्लड सेल के ऊपर। अब वाइट ब्लड सेल क्या है? वो यही हैं जो बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते हैं, जो लड़ते हैं बीमारी के साथ और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंटीबायोटिक क्या करती है? वो वाइट ब्लड सेल को ख़त्म करती है ताकि बीमारी भी ख़त्म हो जाए। अब बीमारी ने अटैक किया वाइट ब्लड सेल पे, वाइट ब्लड सेल जो हैं वो लड़ रहे हैं बीमारी के साथ, एंटीबायोटिक आई उसने बीमारी और वाइट ब्लड सेल दोनों ख़त्म कर दी। ठीक है, अब जब आपने ये खाई, वाइट ब्लड सेल ख़त्म हो गए, बीमारी भी ख़त्म हो गई। अब जब नेक्स्ट बीमारी आएगी उसके साथ लड़ने के लिए आपके बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं बचा। मतलब एक दफ़ा खाने से ये नहीं होता है। और आजकल डॉक्टर हजरात भी ऐसे ही दे देते हैं मेडिसिन, एंटीबायोटिक दे देते हैं मुंह उठा के, कोई ब्लड टेस्ट नहीं करते। सभी डॉक्टर्स नहीं, जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इससे जो है आपकी बॉडी को नुकसान होता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे आपके वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट आने वाली बीमारी के साथ आप नहीं लड़ सकेंगे। तो यही एक हेल्थी टिप्स थी कि आप एंटीबायोटिक खाएं अगर ज़रूरत हो तो। वाइट ब्लड सेल को ख़त्म ना कीजिए, सब्ज़ियाँ खाइए, कच्ची सब्ज़ियाँ खाइए, फ्रूट्स खाइए, ताकि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वो ना बिगड़े। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त पटवारी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और एक ख़ास बात कि रबीउल नूर शरीफ का महीना है, माशाल्लाह चल रहा है, कल 12 रबीउल अव्वल है। तो आप सभी को बीइंग पाकिस्तानी चैनल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकें। अल्लाह खुश रखे, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।